तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टीपीएन कोड कैसे बना सकते हो। तो टीपीएन कोड काम किस लिए आता है? तो अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर एंजल ब्रोकिंग में आप ट्रेडिंग करते हो, तो जो आपने स्टॉक खरीदा होगा, अगर आप एक दिन के अंदर बेच देते हो, तो ये आपको टीपीएन कोड नहीं लगेगा। अगर आप ये जो भी आपने स्टॉक खरीदा है एंड वो जो स्टॉक है उसको आप 1 साल बाद, 2 महीने बाद या फिर 3-4 हफ्ते के बाद अगर आप सेल कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आपको क्या लगता है? टीपीएन कोड। अब टीपीएन कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टीपीएन कोड काम कहाँ से आता है। अब टीपीएन कोड बनाने के लिए दो चीज़ लगेंगी, पहला तो है पैन कार्ड और दूसरा है जो क्या चीज़ लगने वाला है, मैं उस वो चीज़ वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी तो वो भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है एंड यहाँ पर से आपको सर्च करना है CDSL इंडिया। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे, यहाँ पर से आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च किया एंड यहाँ पर से आपको फर्स्ट में ही आपको एक कुछ इस तरह की वेबसाइट मिल जाती है। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलती है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर से आपको एक एरो दिख रहा है, आपको सिंपली इसमें इसको टैप टैप करते जाना है, यानी कि दबाते जाना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा EDSI, ठीक है। इस ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है, बहुत नीचे में आपको आना है। ओके, फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लिक हेयर टू जनरेट TPN फॉर EDIS, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए एंड चेंज। अगर आपने बना रखा है TPN कोड तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट हमें TPN कोड बनाना है तो जनरेट TPN कोड पे क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर से आपको लगेगा पैन कार्ड एंड यहाँ पर से आपको लगेगा बायो ID। अब ये बायो ID कहाँ का लगेगा वो भी आपको बता देता हूँ। आपने जो एंजल ब्रोकिंग ऐप को इंस्टॉल किया उसको ओपन करना है, प्रोफाइल में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऊपर में आपको बैंक डिटेल्स का देखने को ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपने अपना बैंक डिटेल्स ऐड किया होगा इसमें, तो यहाँ पर उसमें से DP ID देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इसको कोड करना है। मैंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इसमें से मेरी बैंक डिटेल्स भी दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पर से ब्लर करके रखा हूँ। ओके, तो ये यानी कि ये जो है DP ID कॉपी करके यहाँ पर से आपको जो बायो ID लिखा है इसमें पेस्ट कर देना है डाल के एंड पैन कार्ड एंड यहाँ पर से आपको नेक्स्ट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर से एंटर कर देना है एंड एंटर करने के बाद क्या है, आपका जो TPN कोड है वो जनरेट होके आपके पास आ जाएगा। एंड अगर आप जब भी स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक खरीदे एंड उसे जब भी सेल करोगे, वो क्या होगा कि यानी अगर एक महीने बाद करो, 2 साल बाद करो, जब भी करना आप करो, जब आपको TPN कोड मांगे तो जो आपको जनरेट हुआ है, जो आपने TPN कोड क्रिएट किया है, वो जो TPN कोड है तब आपके काम आ जाएगा। एंड आई होप सो कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको एंजल ब्रोकिंग 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन ला के जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।